हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कौन क्या करता है, उसकी हम किस तरह से हम इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। देखिए, व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। माय फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी किसान हैं। व्हाट इज योर मदर, तुम्हारी माताजी क्या हैं। या आप इस तरह से भी पूछ सकते हो, व्हाट डज योर मदर डू, तुम्हारी माताजी क्या करती है। इसमें आप रिप्लाई दे सकते हैं, माय मदर इज ए हाउस वाइफ, मेरी माताजी गृहिणी है। व्हाट इज योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर क्या है। व्हाट डज योर सिस्टर डू, तुम्हारी बहन क्या करती है। डू मीन्स करना, और डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कर रहे हैं। माय सिस्टर इज ए स्टूडेंट, मेरी बहन एक स्टूडेंट है। माय सिस्टर स्टडीज इन क्लास 12th, मेरी बहन 12th में पढ़ती है। दोबारा देखिए अगेन, व्हाट इज योर फादर, व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो डू का मतलब है यहाँ पे करना, और डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हिंदी में जब ता है, ती है, ते है हो, तो वो टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में डू डज का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर फादर, कि तुम्हारे पिताजी क्या हैं। या आप इस तरह से पूछ सकते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। देखिए, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। व्हाट डज हिज फादर डू, उसके पिताजी क्या करते हैं। व्हाट इज हिज फादर, या आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि उसके पिताजी क्या हैं। हिज फादर इज ए फार्मर, उसके पिताजी किसान हैं। व्हाट डज मोहन सिस्टर डू, मोहन की बहन क्या है। व्हाट इज मोहन सिस्टर, मोहन की बहन क्या है। व्हाट डज मोहन सिस्टर डू, मोहन की बहन क्या करती है। मोहन सिस्टर इज ए स्टूडेंट, मोहन की बहन स्टूडेंट है। या इस तरह से भी आप कह सकते हो, मोहन सिस्टर स्टडीज इन क्लास 12th, मोहन की बहन क्लास 12th में पढ़ती है। तो ये हुआ, जैसे कि व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। तो यहाँ पे जो डू का प्रयोग हो रहा है उसका अर्थ है करना, जो कि मेन वर्ब है। और यहाँ पे जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, जो यू के अकॉर्डिंग आया है। और यू के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब में डू का प्रयोग करते हैं जब लास्ट में हिंदी में ता है, ती है, ते है होता है। और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, और डू यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में काम में लिया जाता है। और डू डज जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम में लिए जाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में काम में लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं लगता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए लेसन के साथ।